गुना शहर की त्रिमूर्ति कॉलोनी में रहने वाली एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवती ने 4 वर्ष पूर्व ही घर वालों की मर्जी के बिना शादी की थी। शुरुआती जांच में यह कहा जा रहा है कि युवती की मौत जहर से हुई है। जहर उसने खुद खाया या किसी ने उसे खिलाया, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल अस्पताल में मौजूद रहे। वहीं पुलिस की मौजूदगी में युवती का आनंद फानंद में अंतिम संस्कार भी करा दिया गया। लगभग 4 वर्ष पूर्व गुना की त्रिमूर्ति कॉलोनी निवासी कीर्ति जैन शिवाजी नगर के युवक के साथ भाग गई थी। दोनों 1.5 साल गुना से बाहर रहे। वहीं कीर्ति जैन को एक लड़की हुई और वह वापस आकर कर्नलगंज में रहने लगे। शनिवार शाम को युवती को एक निजी अस्पताल में ससुराल पक्ष के लोगों ने भर्ती किया। उनके द्वारा बताया गया कि युवती ने जहर खा लिया है। निजी अस्पताल में देर रात उसने दम तोड़ दिया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस व प्रशासन द्वारा उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां शव का पीएम किया गया। शुरुआती तौर पर डॉक्टरों ने बताया कि युवती की मौत जहर की वजह से हुई है। युवती ने खुद जहर खाया या किसी ने उसे खिलाया, यह अभी साफ नहीं हो पाया है। वहीं एडिशनल एसपी टीएस बघेल ने बताया कि थाना कोतवाली के कर्नलगंज में एक युवती की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। कीर्ति जैन को वसीम कुरैशी बहला फुसला कर भगाकर ले गया था, जहां दोनों ने शादी कर ली थी और शादी के बाद युवती ससुराल में ही रह रही थी। दोनों की एक बच्ची भी है। युवती के माता पिता से पता चला कि उन्हें दहेज के लिए ससुराल पक्ष द्वारा परेशान किया जा रहा था। वहीं रविवार को जहरीला पदार्थों से युवती की संदेहास्पद मौत हो गई। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं श्री बघेल ने बताया कि मृतका के माता पिता के अनुसार ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। गुना से झालम सिंह की रिपोर्ट। कर्नलगंज इलाके में एक नवविवाहिता मर्ग का प्रकरण हुआ है, जिसमें कीर्ति जैन को वसीम कुरैशी बेला फुसला के भगा के ले गया था और शादी कर ली थी, और शादी करने के बाद वो वहीं ससुराल में रही है, एक बच्ची भी हुई है। और शादी के बाद उसको जो फरियादीगण है, माता पिता है, उनसे चर्चा करने के बाद ज्ञात हुआ कि दहेज के लिए परेशान करते हैं। तो इस संबंध में उन्होंने कुछ दहेज दिया भी है, लेकिन इसी दहेज की मांग को लेके परेशान किया जाता था। और संदेह कल 8 दिनांक को मृतिका संदेहास्पद जहरीला पदार्थ खा के आत्महत्या कर ली है। उसकी पीएम कराई जा रही है और मर्ग जांच करके उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। शादी के समय उम्र कितनी थी? ये शादी के समय नाबालिग, ये नाबालिग नहीं थी, क्योंकि शादी हुई थी और उसके बारे में जो भी अब पुरानी शादी 2018 में, उसके बारे में और क्या उम्र थी सही तरीके से ज्ञात किया जाएगा।